अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10th। तो आज हम जो है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, हमारे पास एक वैल्यू दी है, इसमें हमने उसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है और हमने अपना आंसर लेकर आना है। फोर पार्ट में से आपको एक पार्ट करा देती हूँ, 8 वाला। अब क्यूब इन्फिनिटी मतलब एक्स इक्वल टू 8 है, अब हम इसका क्यूब बनाना है तो क्यूब इसका कर लें। तो हमारे पास 8 किस चीज़ का क्यूब, 2 का क्यूब होता है, 2 टू 4 और 4 टू 8, तो वो हमारे पास 2 का क्यूब आ गया। हम जब इसको सर पे शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 0। अब ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। हम फॉर्मूला खोल लेते हैं, एक्स माइनस टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ए भी होता है तो हमारे पास 2x बन जाएगा और प्लस बी हमारे पास 2 है तो 4 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसको अलग-अलग करके पुट कर लेते हैं, एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस वहाँ जाकर शिफ्ट होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा प्लस 2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हम खुद बना लेते हैं। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 2 है एंड सी हमारे पास 4 है। एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाय 2 ए। अब हम अपना फार्मूला खोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 4 रेडी बाय 2 1 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, जब हम क्यूब को सेपरेट करते हैं तो हमारा 12 को तुम्हारे पास बन जाता है एक्स माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर डॉट 3 डिवाइडेड बाई 2 टू का 4 और 4 का 12। ये स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ पे हमारा माइनस के साइन भी था, माइनस प्लस में लिख लेते हैं, 2 बाहर आ गया। यहाँ पे माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें काट नहीं करना क्योंकि हम आपके पास अब याद हो, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। तो हम लिख देते हैं माइनस 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास होता है ओमेगा, तो ये 2 ओमेगा के इक्वल हो जाएगा और 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो हमारे पास 3 वैल्यूज यहाँ पे क्यूब रूट की 3 वैल्यूज आ गई। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, एक क्यूब रूट ऑफ 8 हमारे पास, एक हमारे पास 2 आया है, एक 2 ओमेगा और तीसरा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। बाकी पार्ट भी इसी तरह है, आपने पास क्यूब बनाने के और फिर फॉर्मूले में पुट करके आंसर ले आने हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और एक कांस्टेंट वैल्यू। हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वन माइनस मेगा माइनस मेगा स्क्वायर मेगा को 7 यहाँ पावर है इसकी, इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको कॉमन लें इसमें लें तो ये माइनस आएगा, हमारे पास मेगा माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं था, प्लस का था। तो हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, मेगा प्लस में आ गया और यहाँ पे भी प्लस में आ गया मेगा स्क्वायर। मैक्स अगर आपको याद हो माइनस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो था हमारे पास माइनस 1 का था, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1 फॉर्मूले का, ये हमारे पास प्लस होकर 2 की पावर 7 हो जाएगा। और जब 2 की पावर 7 लेते हैं हमारे पास कैलकुलेटर में 128 आंसर आ जाते हैं। ये हमारे पास बस सिंपल सा आंसर, बस आपको फॉर्मूले आना चाहिए, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करा देती हूँ। 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर
थ्री माइनस थ्री ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर। अब इसे भी हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस में है, तो हम यहाँ इस साइड से कॉमन लेंगे टू को, यहाँ वन प्लस ओमेगा कॉमन आ गया, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर सेम रहेगा। यहाँ पे माइनस से हम यहाँ से लेंगे, बल्कि यहाँ से अगर हम लेते हैं तो बल्कि यहाँ पे भी जब कॉमन लेते हैं यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर हम थ्री और थ्री ओमेगा स्क्वायर को लेते हैं तब हमारे पास फॉर्मूला ओमेगा माइनस ओमेगा का बनता है। तो हम अरेंज कर लेते हैं, या थ्री प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस थ्री ओमेगा ये टू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ओमेगा हमारे पास होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जो है थ्री कॉमन ले लेंगे, थ्री यहाँ कॉमन आएगा तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया माइनस थ्री ओमेगा, ये माइनस टू ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे थ्री वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होता है माइनस थ्री ओमेगा, यहाँ हमारे पास माइनस फोर ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे माइनस थ्री माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस थ्री ओमेगा, यहाँ पे भी माइनस थ्री ओमेगा। माइनस सिक्स ओमेगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास कट हो जाएगा, फोर सिक्स का ट्वेंटी फोर। और जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ओमेगा क्यूब बन जाएगा। और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास वन के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये सिंपल हमारा आंसर आ गया ट्वेंटी फोर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, बाकी पार्ट इसी तरह सॉल्व होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर थ्री, उसमें हमें प्रूफ करने हैं एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस एक्स प्लस वाई का ओमेगा का स्क्वायर वाई। यह हमने इसके ज़रिए ये प्रूफ करना कि वाई एक एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम जो है सॉल्व करते हैं अपने आगे एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हम एक्स प्लस वाई को लेदर रख लेते हैं और ये ओमेगा जिस ओमेगा का जिसमें यूज़ हुआ हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब में एक्स प्लस वाई होता है और ये आगे वाला चेंज है। तो हम इस चेंज को जो आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। इसको सेम हम लिखेंगे। अब हम जब इसको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है एक्स प्लस वाई एक्स का स्क्वायर। अब इसमें ओमेगा का स्क्वायर एक्स वाई दोनों में कॉमन आ रहे हैं ना, ओमेगा स्क्वायर और प्लस वाई हमारे पास अंदर आ जाएगा और एक्स वाई जो कॉमन आ रहा है हमने बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब हमारे पास जो है वन के इक्वल होता है, हमने यहाँ वन लिख लिया वाई का स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास माइनस वन के इक्वल होता है, हमने माइनस वन लिख लिया यहाँ पे प्लस वाई का स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। हम लिख देंगे इसके इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने यहाँ पर लिखना भी होता है कि हम कौन सी साइड पर सॉल्व कर रहे हैं। हमने राइट हैंड साइड ली सॉल्व किया, हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। यहाँ पास आंसर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह है, इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करवाती। क्वेश्चन नंबर फाइव थोड़ा सा चेंज लग रहा है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करवा देती। इसमें हमें गिवन है वन प्लस ओमेगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा फोर वन प्लस ओमेगा की पावर एट इज इक्वल टू, ये हमने जो है
ये हमारे पास है, हमने प्रूव करना है कि जो सारी इक्वेशन है ये हमारे पास वन के इक्वल है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम वैसे सेम रहने देंगे, कुछ इसमें चेंज नहीं करेंगे। अब जो आगे जो मजीद जो है कर जो है छोटा हो सकता है हम उसे छोटा करते हैं। अब ओमेगा का फोर ऐसे हम किस तरह कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा इस तरह स्प्लिट कर लिया इसको, इसका हम कर लेते हैं वन प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर और 36 और स्क्वायर, और यहाँ पे हम डॉट डाल के 2n लिखते जाएंगे साथ साथ। अब यहाँ पे जो मेगा क्यूब होता है हमारे पास वन के इक्वल होता है, तो हम वहाँ मेगा के क्यूब की वैल्यू लिख लेंगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा और वन प्लस मेगा स्क्वायर, ये हमारे पास वन है। अब ये देखें वन प्लस ओमेगा और ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर जो आएगा यहाँ से हमारे टू जो है वो कम हो जाएगा कट जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा अब ये स्क्वायर स्क्वायर है, ये हमारे पास इस टू से काट जाएंगे तो हमारे पास वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये एन हमारे पास जो खाली रहेगा वो ऊपर हमने लिख लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपस में दोनों को, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब एन। अब ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का भी फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ ओमेगा क्यूब का भी फॉर्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास माइनस वन के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब हमारे पास वन के इक्वल होता है, तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वन प्लस यहाँ माइनस वन आ गया प्लस वन एन, एक ये माइनस वन एक से कट गया, यहाँ पर हमारा सिंपल वन रह गया एन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एन इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास प्रूफ भी हो गया और हमारा आंसर भी आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 2.2 समझ आ गई होगी, अगर आपको इसमें कोई भी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना आगे से मत भूलिएगा और इसे जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हम अल्लाह हाफिज़, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।